तो दोस्तों ये है हमारी शॉप और ये है हमारे जूते जो कि सेल पे लगे हुए हैं 700 रुपये में। और अभी हमारे जो है जूते काफ़ी गंदे हो चुके हैं, अब हम सफाई करने जा रहे हैं इनकी। काफ़ी आलस आता है हमें जूते साफ करने में। ये देखते हैं हमारी मोबाइल की शॉप है पवान डेयरी, यहाँ पर आप आ सकते हैं दूध डेयरी में और पनीर, और यहाँ पर मिलता है आपको जूस की शॉप है। ये यहाँ पर जूस बनाते हैं, अभी गाजर छिल रहे हैं, और यहाँ पर बनता है आपका केले का मिक्स फ्रूट का जूस। ये मकान मालिक के बेटे जी हैं सुपुत्र। अब हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे क्या, हम अपने जूतों को साफ करेंगे। ये रहा हमारा जूता, काला हो रहा है दोस्तों। हमारे मकान मालिक ने हमारे को बुलाया, अब हम जाते हैं, क्या पता हमारे को कुटाई हो जाए। तो क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या मैं कुछ बोलना चाहेंगे आप? बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आपको कैसा लगा हमारी हुडी? बढ़िया लगी, बहुत मजा आया आपको? ओके, गर्म भी थी और मतलब अच्छी भी थी, और मतलब ये वाली रेंज में तो ये कपड़े मिलना मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये तो आप संभालते हैं। पहले तो आप जूता ले लें जिसको साफ करना है, गंदा देखो कितना गंदा हो रहा है, और दूसरा जूता भी दिखा दूँ, ये देखो कितना गंदा हो रहा है। इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक सरफ, कैसा भी सरफ ले सकते हैं आप, साधारण सा। हमने लिया है कौन सा, घड़ी का। अब घड़ी का सरफ को क्या करेंगे, हम घड़ी के सरफ को निकालेंगे, थोड़ा सा निकल नहीं रहा है। गाइस ओ बस ज्यादा निकाल दिया गाइस हमने, ये देखो ज्यादा निकाल दिया हमने गाइस, थोड़ा सा ज्यादा निकल गया है, एक सरफ रख देंगे अब साधारण, और थोड़ा सा पानी लेंगे और अभी आते हैं। एक और बाधा आ गई हमारे ब्लॉग में, अभी चलते हैं पहले बाधा खत्म करने। पहले तो आप जूता ले लें जिसको साफ करना है, गंदा देखो कितना गंदा हो रहा है, और दूसरा जूता भी दिखा दूं, ये देखो कितना गंदा हो रहा है। इसको साफ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है एक सरफ, कैसा भी सरफ ले सकते हैं आप, साधारण सा। हमने लिया है कौन सा, घड़ी का। अब घड़ी का सरफ को क्या करेंगे, हम घड़ी के सरफ को निकालेंगे, थोड़ा सा निकल नहीं रहा है गाइस, ओ बस ज्यादा निकाल दिया गाइस हमने, ये देखो ज्यादा निकाल दिया हमने गाइस, थोड़ा सा ज्यादा निकल गया है, एक सरफ रख देंगे अब साधारण, और थोड़ा सा पानी लेंगे और अभी आते हैं। एक और बाधा आ गई हमारे ब्लॉग में, अभी चलते हैं पहले बाधा खत्म करने। ये कुछ कह रहा है, जूतों का सामना करना पड़ रहा है हमारे को एक ब्लॉग बनाने के लिए गाइस। तो जूतों का जो चमकाने का सिलसिला है वो जारी रहेगा, अभी भी जारी रहेगा, और अभी आपको बताते कैसे करना है। तो ये लिया है हमने सरफ, और ये लिया है हमने पानी। पानी को थोड़ा सा गीला लेंगे, कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं आप, इसमें सरफ भिगोएंगे और अप्लाई करना शुरू कर देंगे। थोड़ा सा जूता गीला कर लेंगे तो सरफ जो है इसमें अच्छे से रहेगा, अंदर नहीं गीला होता है। गाइस ये हमारी ब्लॉग को खराब कर रहे हैं, इनकी बातों पे ध्यान ना दे, हम आपको जरूर बताएंगे कैसे कैसे। ऐसे अप्लाई करते रहे अच्छा। थोड़ी देर में आपको क्या होगा, ये ऐसा काला हो जाएगा कि आप इसको गंदा ही नहीं कर पाएंगे कभी। थोड़ा ज्यादा गीला कर लेंगे इसे, अब ये देखिए इस तरीके से अप्लाई करते रहिए, देखिए कितना काला हो गया है, मस्त हो गया, चमक गया है। ये आप हर रोज एक दिन कर सकते हैं, वैसे ही 2 दिन बाद गंदा होगा जूता। अब अगले 24 घंटे के लिए आपको इसको पहने रखना है, निकालना नहीं है अपने पैरों से, सोचा कुछ भी करो। और ये देखिए क्या मस्त आ रहा है, देख रहे हो आप, देख रहे हो क्या गंदगी निकल रही है इसमें से, इसका मतलब है कि ये साफ हो रहा है। जब आपका पानी गंदा हो जाए तो इसको गिरा दे। अब देखिए जूता, ब्लॉग बनाना देखिए, बाल हो गए। अब देखो गाइस क्या मस्त बना है। अब नल है यहाँ पर, अरे तेरी बहन कहाँ है, अरे वो देखो कोई बात नहीं यार, देखो गाइस जूते हो गए बिल्कुल चमक। अब इसे सूखे कपड़े से आप साफ कर दीजिए, और अब चलते हैं हम आगे की ओर अपनी शॉप की ओर। तो कपड़ा आपको सुखा देने के लिए डाल देना है, इधर फेंक देना है कहीं पे भी।
गाइस आपको सूखा कपड़ा लेना है और अपने जूतों पे अप्लाई करना है ताकि इसमें गीलापन जो है और गंदगी जो है वो इसमें सोख ले। अब देखो आप देखेंगे रिजल्ट अभी आना शुरू हो गया है, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पर करा नहीं था इसलिए गंदा हो रखा है, हमने आगे का दिखाया आपको, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि ये अच्छे से हो जाए जल्दी से। और ये अप्लाई करने के बाद आपका जूता जो है एकदम चमकदार हो जाएगा। अब इसको भी करेंगे ऐसी, दोनों कुक करने के बाद आप देखेंगे रिजल्ट अपने आंखों के सामने। अभी हमने सूखा कपड़ा लिया है, अप्लाई करते रहेंगे। कैमरा जो है थोड़ा इधर उधर हो रहा है, उसके लिए माफी चाहेंगे क्योंकि हम अकेले बना रहे हैं इस वीडियो को। और ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें हमारे चैनल को। तब तक ले टाटा बाय बाय। जूता देख सकते हैं आप क्या चमक चुका है।